अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोहेल डाइवर लेटेस्ट फिशिंग वीडियो। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है बॉटम फिशिंग की, जो लाइव वेट करके हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखो किस तरीके से लाइव वेट चलाते हैं, वो भी जिंदा चारा, और जिंदा चारा से मतलब लाइव वेट से हम लोग इस पर हर तरह की मच्छी आती है, जो टॉप ऑर्डर की मच्छी होती है, मकसद ककान और आल यानी क्वीन फिश। और ठीक है ना, वीडियो को लाजमी देखें और वीडियो को देखते रहें, इंशाल्लाह आपको अच्छी रिपोर्ट मिलेगी और मेथड भी आप सीख सकते हैं माशाल्लाह से। तो देखें किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से मछली निकालते हैं इस पर। अभी हमने चारा लगाया है, किस तरीके से आपने माशाल्लाह से देखा है किस तरीके से लगाते हैं और किस तरीके से फेंकते हैं। अभी माशाल्लाह से देखना मच्छी फिट होगा और किस तरीके से निकालते हैं, मतलब इसके जो है लाइव वेट कास्टिंग से भी हम लोग करते हैं, तो इसका तरीका अलग है। जो सर्फ कास्टिंग है, जो स्पून चलाते हैं, उसका तरीका भी अलग है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखते रहें, आपको इंशाल्लाह सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और रिपोर्ट भी अच्छी मिलेगी। देखना माशाल्लाह एक जो है मच्छी फिट हुआ, तो उसको निकालते हैं, देखते हैं कौन सी मछली है। तो माशाल्लाह से आप तो देख रहे होंगे कि किस तरीके से निकालते हैं, और आज पानी की विजिबिलिटी थोड़ा बेहतर है। माशाल्लाह से दोस्तों आपने देखा है, एक सारम निकाला हमने लाइव वेट पे, जो चारा इसका जो मुंह में है अभी भी आप देख रहे हैं, मतलब इसका जो कांटा है उसको पूरी तरह अच्छी तरीके से हुक हुआ है। और ये जो चारा लगा हुआ है ना, ये मुलेट है, मुलेट फिश, ये छोटी मछली होती है जो कास्ट नेट से पकड़ते हैं। तो मेरी काफ़ी वीडियो पर आप लोगों ने देखे होंगे कि कास्ट नेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये लाइव वेट है, इसको जो है ना हमने मच्छी निकाला, मछली और जो कांटा भी उससे निकाला, और तब भी मतलब इतना टाइम लगा, ये जो बाइट है अभी तक मतलब चारा है अभी तक ज़िंदा है। देखें इसके जो गलपड़ माशाल्लाह साइज़ के सारा में, तो चारा भी दिखाते हैं आपको। देखें चारा अभी भी ज़िंदा है, यानी कि मुलेट ये देख अभी भी ज़िंदा है। इसको हम ऐसे लगाते हैं, वैसे आप देख रहे हैं तो ऐसे लगाते हैं, इसके काल पर लगाते हैं ताकि इसके हड्डी को ना छुए कांटा, तो इसके हड्डी को थोड़ा सा यानी कि ज़रा सा खराश आ जाए कांटे के साथ तो वो डेड हो जाएगा उसी टाइम। तो मतलब जो डेड मरा हुआ चारा तो इस्तेमाल करोगे, मच्छी तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो देखते हैं, ये देखें भाई, तो चारा ज़िंदा जो रखने के लिए हम लोगों ने ये कड्डे पे सारे चारे रख दिए कास्ट नेट से, तो पकड़ें तो एक एक करके माशाल्लाह से तो पकड़ रहे हैं। देखते हैं और भी आगे रिपोर्ट तो मिल रही है अच्छी खासी। अच्छा दोस्तों इस वीडियो को देखें, और ये वीडियो बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, और क्योंकि इस पे जो है न्यू मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ये जो है एक्सपीरियंस ये अमेजिंग है, ये बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है। अच्छा देखते रहें, तो अगली बाइट पर शुरू कर रहे हैं, देखते हैं इस पे क्या आएगा। अच्छा देखें माशाल्लाह से दूसरी बाइट पे भी आया, तो ये भी आल होगा क्योंकि इसके जो चाल से हमें फील हो रहा है, तो आल है माशाल्लाह, ये भी आल है। अच्छा जो है लाइव बाइट दूर फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मछली खा रहा होता है ना तभी नज़र, ये देखें भाई बहुत ही ख़तरनाक और फास्ट। देखें ये जो मुलेट है अभी भी ज़िंदा है, मैंने पानी पर इसलिए फेंक दिया ताकि दोबारा जो है इसमें जान आ जाए। अच्छा मच्छी को अच्छी तरीके से फिट हुआ है देखना, और बाजू पे तो हैं दोस्त भी हैं जो सीनियर भी हैं खेलने के, मतलब खेलने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो हम लोग अभी भी उस्तादों से सीख रहे हैं, सीनियरों से सीख रहे हैं अभी भी, आज से भी मतलब। तो ये भाई बेहतरीन मेथड है, हालांकि मैं तो सर्फ कास्टर हूँ, तो ये वाला एक्सपीरियंस जो है मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ माशाल्लाह से, इसकी वीडियो बना रहा हूँ ताकि काफ़ी दोस्त बोल रहे थे सोहेल भाई जो लाइव बाइट की जो फिशिंग होती है वो कैसे करते हैं लाइव बाइट की। तो दोस्तों आपने लाइव बाइट जो है चारा लगाने का तरीका तो माशाल्लाह आप लोगों ने देखा, और इस पे फेंकने का तरीका भी आपने देखा, मछली निकालने का तरीका भी देखा माशाल्लाह से, और जो है इसकी मछली बिल्कुल खरीब होती है। जब भी जून जुलाई के महीने में जब भी साफ पानी मिले ना, क्रिस्टल वाटर, वो तो नहीं मिलता क्रिस्टल वाटर, अच्छा थोड़ा भी मतलब विजिबिलिटी थोड़ा बेहतर रहे तो समझ लो मछली मछली है, लाइव बाइट पर मछली अच्छा आएगा। अच्छा मछली सामने दिख रहा हो तो अगर पता शेक वो नहीं आ रहा तो ज़रूर उस पर आएगा लाइव बाइट पे,
ये देखिए तीसरा वाला पेड़ लगा लें। अच्छा ये जो चारा तो बिल्कुल स्ट्रांग है। अच्छा ये मुलेट होता है ना, ये स्ट्रांग रहता है। एक होता है मुरबा, एक होता है डुगी। ये जो डुगी है बोई है, बोई। अच्छा बोई है, बोई चला रहे हैं। तो मुरबा इतना स्ट्रांग नहीं होता, उसमें स्टेमिना नहीं होता, जल्दी मर जाता है। अच्छा ये देखो फिर से हम फेंक रहे हैं। अच्छा फिर से पेका, मछली के इंतज़ार में है। देखते हैं कि अभी इस रेंज पे क्या होगी। अच्छा माशाल्लाह से देखें भाई कैसे फिट कर दिया। जब मछली का जो फील होता है ना, तो इसको एक झटका मारते हैं, माशाल्लाह फिट होता है। अच्छा देखिए ये तो बड़े साइज़ का लग रहा है, क्योंकि इस पे जो पावर भी आ रहा है, माशाल्लाह ज़ोर दे रहा है। तो जाके देखें भाई। अच्छा ये जो मेरी जो डुग्गी है ना, मतलब बोई है, इसके जो इस पे जो है मैं फेंक रहा हूँ, बिल्कुल सामने नज़दीक बिल्कुल करीब ही गिर रहा है, जैसे कि जागे है ना जागो में। अच्छा ये जो ये क्वीन फिश होता है आलड़ी, ये छोटे आलड़ी हैं। अच्छा आलड़ी होता है तो इसमें जो जागो में होता है। मास जाएगी तेरा। हाँ ना।
चाड़े टाट मकान है अंदर टाट मकान है डिग्री ने चला चाड़े इतने ना
Seahill Divers Fishing Videos.